आपके छोटे भाई बहन या आपके घर में कोई बच्चा जो है वो नीट का एग्जाम देने जा रहा है और आप बड़े हैं जो उसको गाइड कर रहे हैं. ओके यस ओके नाउ यू आर द ट्रेनर और आप गाइड कर रहे हैं अपने छोटे भाई बहन को कि बेटा कैसे तैयारी करना है. तो कल उसका फिजिक्स का पेपर है. सो व्हाट यू डू, आप उसके लिए कि ये लो डीसी पांडे, ये लो सिंगेज, ये लो एससी वर्मा, ये लो एनसीईआरटी और ये लो नोट्स और ये लो मॉड्यूल, सबको फटाफट तैयार कर लो, कल एग्जाम देने जाना है. व्हाट विल योर यंगर ब्रदर और सिस्टर अल्टीमेटली से और रिएक्ट, कैन यू सी दैट? मैं नहीं पढ़ता, वॉकआउट. हेलो यस सर नाउ इंस्टीट्यूट्स वॉन्ट यू टू वॉक आउट, तभी वो आप पर इतना ज्यादा प्रेशर दे रही है ताकि आप वॉकआउट करें. आप परफॉर्म अच्छा कर सकते थे, आप ना करें तभी उनकी जीत होगी, तभी आप अगले साल फिर से वहां एडमिशन लेंगे, डबल पे करेंगे उनको, और अगले साल फिर से जनवरी फरवरी सॉरी दिसंबर आते आते फिर से सेम स्ट्रैटेजी होगी ताकि जितने ज्यादा रीड्राफ्ट किए जा सके. बिजनेस मॉडल, यू अंडरस्टैंड इट, तटस्थ बनिए, थर्ड यस सर अंपायर बन के सोचिए. आप अगर अपनी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ेंगे तो नीट आते आते आप 90% टू 100% सैटिस्फैक्टरली तैयार कर लेंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. और अगर आपके यस सर प्लानिंग में आपको बार बार डिस्टर्ब किया जाए, कभी सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और साथ में आपके कभी पोल आ रहा है, कभी एनसीईआरटी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो आपको वो थरली इंगेज रख रहे हैं, इतना इंगेज कर रहे हैं कि आपका जो मेन फोकस था लाइक अर्जुन कि सिर्फ मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए, अब आपको मछली की आंख की जगह पेड़ के पत्ते भी दिखा रहे हैं, तने भी दिखा रहे हैं, फल भी दिखा रहे हैं, तो आपका फोकस गया. यस सर प्लीज बिकम अर्जुन इफ यू वॉन्ट टू क्लियर नीट इन 2024 एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन टू मेनी थिंग्स, जस्ट वन थिंग. घोड़े वाली बात बताई थी कि घोड़े को जब दौड़ना होता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही देखने के लिए उसके लिए कुछ लगाए जाते हैं फोकस करने के लिए, बताया था मैंने. प्लीज अर्जुन बन जाइए और अपनी फोकस को सिर्फ नीट पर लगाइए. अगर आपको बोर्ड एग्जाम और नीट अगर दोनों देना है तो बोर्ड पर कितना फोकस लगाना और नीट पर कितना फोकस लगाना है और उसकी प्लानिंग के हिसाब से किस तरह से आपको चलना है, उसमें किसी को डिस्टर्ब मत करने दीजिए, किसी को नहीं. यू अंडरस्टैंड? याद रखिए आप यहां पर आपके इन हाउस होने वाले किसी भी टेस्ट में आप टॉपर भी बन जाएंगे तो उसके बेसिस पर आपको ना तो एम्स में जगह मिलेगी, ना मैम्सी में, ना किसी भी एलिट मेडिकल कॉलेज में. जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, ऑलराइट? एंड आई नो सो सो मेनी स्टूडेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी रैंकिंग इंटरनल टेस्ट में कर रहे थे, टॉप 100 में आने वाले बच्चे, उनको दिल्ली छोड़ दीजिए बेटा, किसी भी एलिट कॉलेज में जगह नहीं मिला. ऐसे बहुत सारे बच्चों को हर साल सफर करते हुए हमने देखा है और उसके बेसिस पे आपको ये मैं सलाह दे रहा हूं. प्लीज डू नॉट फॉल प्रे ऑफ इंटरनल यू नो डाइवर्जन टैक्टिक्स. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को एलिट बैचेस के अंदर जबरदस्ती आपको अगर रहना है तो ये परफॉर्म करना पड़ेगा. क्यों परफॉर्म करें? मैं मेन एग्जाम के लिए परफॉर्म करूं या आपके टेस्ट में रिजल्ट्स दिखाने के लिए परफॉर्म करूं? आई एम नॉट हियर फॉर शोशेबाजी, मैं दिखावे के लिए नहीं हूं यहां पर, मुझे मेरा अपना मेन गोल है, मैं उसी पर फोकस रहूंगा. प्लीज डू नॉट फोर्स मी टू परफॉर्म फॉर योर इंटरनल टेस्ट बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग माई मेन गोल. अंडरस्टैंड? आपको पहुंचना है मान लीजिए कि यहां से कानपुर और हर 1 किलोमीटर पर मैं चेन की पुलिंग कर दूं ट्रेन की, ट्रेन पहुंचेगा कानपुर टाइम पे? नो सर. प्लीज स्टॉप फॉलिंग प्रे ऑफ दिस गिमिक्स, दिस इज बिजनेस मॉडल एंड दिस इज सो वेल डिजाइन दैट यू कांट इवन कैच द ट्रैप. आपको लगेगा सब आपके हित में किया जा रहा है लेकिन हित कहीं और किसी और के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता है. क्योंकि आपके हित के लिए अगर होता तो फिर आपको एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड तरीके से कि बेटा आपके एग्जाम इस समय में होंगे तो हम इस तरह से आपके टेस्ट को कंडक्ट करेंगे कि आपको जेन्युइन टाइम मिल जाए प्रिपरेशंस के लिए और वी डू नॉट डिस्टर्ब यू, वी डू नॉट कॉल यू फॉर 6 आवर्स. क्योंकि अगर आपको आपके मतलब पीक आवर्स में जब आपको सबसे ज्यादा प्रिपरेशंस के लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए उस टाइम पे अगर 6 घंटे अगर मैं सप्ताह में 2 या 3 दिन ब्लॉक कर दूं, यू आर जस्ट फिनिश्ड. पेरेंट्स बोलेंगे आपके रिजल्ट्स कहां हैं,
इंस्टीट्यूट बोले कि आपके रिजल्ट्स कहाँ है। बेटा आप सोच करके देखिए आपके पास समय कहाँ है, सारा समय तो उन लोगों ने ले लिया और जो बचा हुआ वक्त था उसमें आप उन टेस्ट के लिए तैयारी करने में दे दिए, तो आपने मेन गोल की तैयारी कहाँ की? आप तो परसों एग्जाम उसके लिए पढ़ रहे हैं, आपके 6 महीने बाद जो एग्जाम उसकी तैयारी कहाँ की आपने फोकस होकर, क्योंकि परसों की पढ़ाई जो आप करेंगे रात भर जाकर के वो परसों के बाद नेक्स्ट डे तरसों याद नहीं रहेगा आपको, तो वो सारा यूजलेस है। इट्स अ मेकअप, मेकअप से हम घाव को ठीक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ छुपा सकते हैं, और छुपाने से घाव ठीक नहीं होता है। प्लीज स्टॉप डूइंग द मेकअप, प्लीज स्टॉप शोइंग इट टू पेरेंट्स दैट योर प्रिपरेशन इज इन द वेल शेप। स्टॉप शोइंग ऑफ, स्टॉप शोइंग ऑफ टू पेरेंट्स और टू योर इंस्टीट्यूट्स। You are not meant to achieve a goal for any of them in the world. You are supposed to achieve the goal for yourself only, only for your betterment, for your life. And that is too precious to be shown off. Yes, sir. Sir, मैं ये पूछ रहा था कि dropper के लिए ideal time कहाँ तो कब है, मतलब to finish the syllabus and start for the test, full syllabus test. बेटा full syllabus test जो है आप अप्रैल महीने में आप जेन्युइनली प्रिपेयर्ड होंगे उसके लिए, और उसके पहले अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो बी रेडी फॉर ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत समय से पहले तैयार, मतलब कि आप सोच करके देखिए ना कि एक फल को अगर खाया जाना है 15 दिन के बाद और अभी से वो पक करके तैयार हो जाएगा तो वो सड़ जाएगा, जब खाया जाना है उसके पहले पकना चाहिए उसको ना। Yes. तो ये तो नेचर का रूल है, सो यू नो दिस बेसिक रूल कि जब आपको एग्जाम में जाना है उसके बहुत पहले अगर तैयार है तो ओवर कॉन्फिडेंस का कॉन्सिक्वेंस आएगा, अगर आप उस वक्त तक भी तैयार नहीं हो पाए तो अंडर कॉन्फिडेंस का कॉन्सिक्वेंस आएगा, तो जस्ट इन टाइम कंप्लीट होना चाहिए, अंडरस्टैंड। बट इंस्टीट्यूट्स कांट डू दिस बिकॉज उनको क्रैश कोर्स लेने होते हैं, तो आपकी सिलेबस को अगर जल्दी वो फिनिश करते हैं, दूसरे बैचेस के सिलेबस को जल्दी फिनिश करते हैं, तब आप क्रैश कोर्स के लिए आते हैं या दूसरे बच्चे क्रैश कोर्स के लिए आते हैं एंड दे गिव देम मोर बिजनेस, तो यू आर नॉट सपोज टू एंटरटेन देम जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट मोर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस से मतलब रखना चाहिए, understand, and your business is just to clear and get the best of the best colleges, you understand? Yes. तो आपके टारगेट होने चाहिए कि मार्च महीने के अंत तक मैं fully prepared हूं, understand? उसके पहले results कैसे भी आ रहे हैं parents को बोल दीजिए कि आप मार्च तक के results को मत देखें, अप्रैल में results को आप भी देखें और मैं खुद analyze करूंगा, मुझे भी करना है analyze कि मैं actually में genuinely अप्रैल month में कहां पर हूं। You understand? Self analysis करना है और वो आप अपने लिए कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। Understand? Yes. आप निशान लगाएंगे, आपने फॉर्मूला का एक चार्ट तो बनाया होगा। Yes. I will be covering the major formula, but सारे में कवर नहीं कर पाऊंगा, इस बात को आप प्रैक्टिकली समझते हैं, क्योंकि कभी कभी एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले निकलते हैं और हर एक को कवरेज देने का मतलब है कि एक फॉर्मूले का डिस्कशन ही अपने आप में ईच फॉर्मूले का डिस्कशन एक चैप्टर में काफी लेंथी हो जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो मैं सिर्फ रेलेवेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को उठाऊंगा, लेकिन आप रेयर फॉर्मूले को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो फॉर्मूले का पूरा चार्ट लेकर के बैठेंगे और मैंने जितने डिस्कशन किए वो मार्क किया, अच्छी तरह से याद हो ग्रीन कर दीजिए, जो अच्छी तरह से याद नहीं हुआ रेड डॉट लगा दीजिए, और जो फॉर्मूले मैंने डिस्कस नहीं किए उसको भी उसी रेलेवेंस के बेसिस पर आप वहां पर निशान लगा दीजिए, ताकि आपको पता हो कि जब लास्ट के 5 से 10 दिन बचेंगे और जब मुझे सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ ग्रे एरिया को कवर करना है तो कहां कहां रेड डॉट है, किसको किसको कनेक्ट करना है, किसको टच एंड गो करना है, किसको ओवरलुक करना है, ताकि आप लास्ट मिनट की सही प्रिपरेशन कर सकें। आपको बहुत ही फोकस्ड और एसेंस पर काम करना है लास्ट मोमेंट्स पे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे बेटा? हाँ, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एसेंस निचोड़ पहले से निकाल कर रखें अपनी पूरी तैयारी का। मुझे अपने ग्रे एरियाज पता है, कहाँ मुझे लास्ट मिनट टच लेने हैं, कहाँ पर मुझे अवॉइड करना है पढ़ना, क्योंकि वो पढ़ूंगा तो वो मुझे पहले से आता है और जो मुझे पढ़ना चाहिए उसके लिए वक्त मेरे पास बचेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर, मैं सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ पाएंगे, मतलब केमिस्ट्री में भी 3 है और बायो भी है और फिजिक्स भी है, क्योंकि अगर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो एक sort of confidence नहीं आता और रोज पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा memory में retain होगा। Very nice question. मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की। Okay बेटा? Okay. आप कभी किसी शादी में गए? Okay? या कहीं किसी पार्टी में गए? Yes. आपका मन मीठा खाने का कर रहा है? Okay?
यस सर, पांच छह तरीके की मिठाई है और सारे बहुत ही अच्छे मिठाई है और आपकी फेवरेट है, मगर सारे आप खा नहीं पाएंगे क्योंकि मीठा खाते खाते मन भर जाता है। तो आप एक दो मीठा खाएंगे, फिर कुछ थोड़ा सा नमकीन खाएंगे, फिर मीठा खाएंगे। गलत बोला बेटा। सो मोर देन जस्ट कवरिंग चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स और द टॉपिक्स, इट इज अबाउट योर इंटरेस्ट, योर पैशन, योर फोकस। नो, यस सर। तो आप सोच करके देखिए, आपको चारों सब्जेक्ट्स में, अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑलराइट, जब तक मन से पढ़ रहे हैं, ऑलराइट, उसके बाद आपका वहां से फोकस हटा, आपका मन हटा, कुछ डिफरेंट थोड़ा सा टेस्ट बदलना है, यू नो, तो टेस्ट बदलने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। अब मान लीजिए कि आप दो ही सब्जेक्ट पे जेन्युइन फोकस करके कर सकते हैं पूरे दिन में तैयारी, तो फिर दो सब्जेक्ट किया तो दो सब्जेक्ट छूटता हुआ लगेगा, तो उसको आप 10 मिनट का टाइम, जस्ट लाइक बीच में थोड़ा सा नमकीन खा लिया। Am I able to explain? Okay. Yes, sir. तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया। आप पार्टी में गए, 25 तरह के अच्छे व्यंजन थे, आपने सब में से थोड़ा थोड़ा चखा, तो आप घर आकर के ये तो बोल सकते, वो वाला बड़ा बढ़िया बढ़िया डिश था, ऑलराइट, मैंने सारे डिश खाए थे, यू नो, मैंने सारी चीजों को चखा था। तो उसी तरह से आपकी नीट की तैयारी में आपने सारी चीजों को सैम्पलिंग की है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा अंदर से, कुछ छूट गया, कुछ कमी रहेगी, वो मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि तैयारी तो आपने सब कुछ की है जनरली, है ना। Yes. तो रिवीजन करते वक्त में जब आप चीजों को पलट रहे होते हैं, तो ग्रे एरियाज पर आपने पहले से निशान लगा कर रखा है और ग्रे एरियाज आप खास तौर पे देख रहे हैं और साथ में आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये फील नहीं होगा साइकोलॉजिकल वॉइड कि कुछ छूट गया, आज मैंने सिर्फ दो ही सब्जेक्ट कर पाया, या आज मुझसे वो सब्जेक्ट ठीक से नहीं हो पाया तैयार। तो वो ग्लानी मन में हमारे नहीं रहेगी, वो रिग्रेट मन में नहीं रहेगा, डू यू अंडरस्टैंड। और वो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज देता है, एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग देता है, पॉजिटिविटी देता है, जो आपको आगे की तैयारी करने में और हेल्प करता है। अंडरस्टैंड बेटा? यस यस। जो आपके रिश्तेदार नहीं है या जो आपके स्यूडो रिश्तेदार हैं, अंडरस्टैंड, उनको आपके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मिर्च और मसाला चाहिए, या अगर इंस्टीट्यूट है तो उनको बिजनेस चाहिए, आपसे उनको सिर्फ उतना ही मतलब है। यस सर। आपके पेरेंट्स आपके लिए जनरली कंसर्न है और सबसे ज्यादा आप खुद के लिए कंसर्न है, तो दुनिया को दिखाने के लिए आप काम करना बंद कर दें, टेस्ट के रिजल्ट्स निकालना बंद कर दें, आप अपनी जेन्युइन कमी पर काम कीजिए, और जेन्युइन कमी पर काम करने के बजाय सिर्फ आपसे सुपरफिशियल स्टडी करके वहां पर टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, उस पर काम करने के लिए मजबूर किया जाए, तो हाथ जोड़ लीजिए, नमस्ते, सॉरी। बट फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अब आप यहां से आगे ईगल्स आई व्यू रखिए हर बात के लिए। ओके बेटा, ईगल्स आई व्यू होता है ऊपर से देखना, अच्छा यहां पर प्रॉब्लम है, मुझे यहां एड्रेस करना है, वहां पर मेरी प्रॉब्लम नहीं है मगर वो जबरदस्ती मुझे कहा जा रहा है कि उस पर फोकस करो, मुझे तो यहां फोकस करना है। यू अंडरस्टैंड? मैंने आपको पहले एक रूल बताया था बेटा कि आपके जो टेस्ट आते हैं ना, टेस्ट आर मेंट टू चेक कि आपकी तैयारी कितनी है, इसी के लिए होता है ना टेस्ट बेटा, ताकि आप नीट की तैयारी कितनी है वो चेक कर सकें। लेकिन इसका ठीक उल्टा लोग करते हैं कि मेरा जो टेस्ट आ रहा है उसमें अपनी तैयारी ऐसी दिखा दो कि दुनिया को लगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, बेशक ना हो, रियलिटी में वही हो रहा है ना। तो प्लीज इसी चीज को दिखावा बोलते हैं, इससे अपने आप को बचाइए, आपके रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे होंगे। ऑलराइट, आखिरी में फ्यू वर्ड्स, आपने 2 साल पूरे जी जान लगा करके मेहनत की है, अगले 2-3 महीने में उसको किसी को भी डिरेल मत करने दीजिए, किसी को भी। यूज योर विट एंड योर वाइजनेस बिकॉज इट्स योर लाइफ एंड यू वांट द बेस्ट आउट ऑफ इट। बाय बेटा। वेलकम बेटा, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।